जी वैगन बराबर एवरेज दे दिया, अब इसका पता है क्या रीजन है? तो इस पानी में ले जाना पड़ेगा। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपन सुबह 4 बजे। हाँ गाइज सही सुना, 4 बजे की। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ फिलहाल, और अभी चलते हैं 4 बजे अंधेरे में मंदिर चलेंगे। सबसे पहले गोविंद देव जी जा रहा हूँ, नहा धो के फिर दिखाता हूँ आपको। गाइज नहा धो के ऑल डन, अब सीधा चलेंगे मंदिर। और बोलो अंधेरे में चल रहे हैं यार, मजा आएगा खूब। तो चलते गाइज ब्लॉग स्टार्ट करते पूरा। अभी आए हम गोविंद देव जी, देखो सुबह के बज रहे हैं 5। ये देखो गाइस 5:30 बेटा, 5:30 बस लगी शर्त। जय श्री राम गाइस। चल रहे हैं हम, 3-4 फ्रेंड्स आए हुए हैं, और सुबह देख लो आज भक्ति ही शक्ति है। आज पाजी को भी लाए हमारे, पहली बार आए। अरे चल तो जी साहब, हम आ गए हैं गुलाब जी चाय वाले की। गाइस पाजी सो गए, पाजी की नाक दिख रही है। आगे चुके ये गाइस पेट में से कहीं जा रही है, ये अंधेरा। आज बारिश बहुत जबरदस्त आई है, देखो कितना पानी भर गया। अभी तो बहुत सारा था, वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। और ये गाइस ये मंदिर में खड़ी है आज नहीं, एक्चुअली बहुत दिन से ही खड़ी है। इसका रीजन बताता हूँ गाइस, क्योंकि एक तो गाड़ी के अंदर छोटी सी मिस्टेक हो गई, और गाइस इसका एवरेज है ना गाइस, आप मानोगे नहीं कितना आ गया। 3 का एवरेज दे रही है, एसी चलाते हैं जब, जी वैगन बराबर एवरेज दे रही है। अब इसका पता है क्या रीज़न है? एक तो गाड़ी 5 लाख प्लस चल गई, मैंने कई बार पहले ही बताया, बट मैं एक बार वापस रिमाइंड करा रहा हूँ। अब सर्विस पे जाएगी ना जब भी थोड़ी सही होगी आएगी, जब थोड़ा एवरेज बढ़ेगा। मतलब एसी चलाते हैं जब सिटी के अंदर 3 का एवरेज, और हाईवे पे 4-4, 4-5, 4-5। बाकी गाइस नॉर्मली हाईवे पे देती है 8-9, 8-9, 7-8, और बिना एसी के। और क्या बोलते हैं अपने सिटी में नॉर्मल देती है 6-7, 6-7 बिना एसी के। बाकी एसी चला के 3 का सिटी में, अब आप सोचो। तो और गाइज बाकी यार, अब आप सोचो 3 का जी वैगन के बराबर एवरेज दे दिए, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। पहले भी 3 दे रही थी, और अभी भी अब सोच लो आप। तो पहले तो गाइज क्या एसी चला नहीं रहते, क्योंकि दूसरी गाड़ी थी उससे काम हो रहा था। अब इसमें एसी जब नीड होती है गाइज, बहुत मतलब एसी की तो देखो नीड होती है। तो अभी बारिश हुई है, बाकी दोपहर में तो गर्मी रहती। अरे यार मतलब हद दे ये, चलो छोड़ो क्या ही बोलूं मैं। पाना ये दोनों गाइस हमारे पड़ोसी, ठीक है छोड़ो मैं क्या कह रहा था। हाँ तो अब देखो यार इसका, ये दिखाते हैं इंडिया की पहली स्कॉर्पियो जो जी वैगन बराबर एवरेज देती है। गंदी हो रही है गाइस, सर्विस जाएगी ना। और गाइस ये 5 लाख किलोमीटर प्लस चल गई, और इसका इंजन है 2.6 मतलब 2600 cc टर्बो चार्ज। आप सोच लो इंजन के अकॉर्डिंग समझ आता है। और यार 18 साल पुरानी गाड़ी है, तो हम तो फिर भी यही सोच रहे थे कि 18 साल पुरानी कार है तो एवरेज कम देगी, ठीक है। बट 3 पे लाना गाइस ये तो बहुत कम हो गया, और 5 लाख प्लस कार चल गई। इसका एक्चुअली ये मीटर ख़राब हो गया जो रहता ना, ये फिर तुम्हारे आवाज आ रही है। ये ना ये देखो पानी की मस्ती चल रही इनकी। तो अब आप सोचो गाइस इसका मीटर है ना, मतलब 4-5 साल से 2.5 लाख ही दिखा रहा है। बाकी हमारे आइडिया से ये 5 लाख प्लस चल गई, क्योंकि गाड़ी केदारनाथ जयपुर से कितनी बार जाएगी, तो आप सोच लो उसके बाद भी। तो आप सोचो यार इसका कितना कम एवरेज हो गया। इसका ये जो निडल देख रही है गाइस, ये एक से यार इतना ब्लर कैसे हो गया यार कानू यार। फिर भी यार मतलब अभी मैं फिर मारूंगा फिर। ये देखो गाइस ये कानू उधर हो जाए यार, प्यारा बाबू है ना, साइड हो जाओ। तो सोचो यार अब इसको जाने दो, इसके नोजल साफ होंगे, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 का एवरेज और प्लस कर देगी। ज़्यादा से एसी के अंदर 5-6 का दे देगी, या 4-5 का दे देगी, इससे कम ये अभी अब देगी ही नहीं, क्योंकि 5 लाख ज़्यादा चल गई। और इंजन इसका 2600 cc है, पर पहले ज़्यादा देती थी, बट अब
वही बात आ गई ना, 5 लाख ज्यादा चल गई तो इंजन भी थोड़ा बहुत पुराना हो गया ना, तो एवरेज कम ही रहेगा इसका। बाकी यार दमदार गाड़ी बहुत है, ये देखो इसका गाइस बढ़िया। इसको वापस से ऐसे बनवाएंगे, मेरा तो सपना है इसको लिफ्ट कराऊं मस्त सी, और मतलब इसको इसी शेप के अंदर ही, क्योंकि गाइस नई S11 कन्वर्ट करवाएंगे ना अगर अपन गाड़ी को, तो क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी गिर जाएगी, क्योंकि S11 का लोहा बहुत पतला आता है, तो इसको इसमें इसी की जो मॉडल है इसमें कन्वर्ट करवा देंगे बढ़िया। जो डेंट वेंट है वो सब निकल जाएंगे, और जो पार्ट डैमेज है वो नहीं लग जाएंगे, इंजन की साइड जो पार्ट डैमेज है वो नहीं लग जाएंगे, और जो सही है वो उसको ठीक है बाकी। और बढ़िया लिफ्ट किट लगा के मस्त से टायर, मतलब ज़्यादा वाइड भी नहीं और अंदर के अंदर ही, तो जो इसका बोनट है ना गाइस जो यहाँ तक आ जाएगा, सोचो कितनी हाइट बढ़ जाएगी, फिर ये निकलेगी मॉन्स्टर स्कॉर्पियो, और इसको इतना तगड़ा मॉडिफाइड। ठीक है आगे जो प्रोजेक्ट्स अगर आगे जाके बहुत आगे देखेंगे जब अपने को करवाना होगा। उससे पूरा हाथी लगे होटल की रोड पे आया हुआ था, देखो आपको दिखाऊं, ये देखो गाइस कितना प्यारा सीन, वहाँ देखो पूरे बादल, ये क्या बोलते हैं पहाड़ पूरे ढक गए गाइस, गाइस वहाँ देखो पूरे पहाड़ ढक गए, बादल ही बादल आ गए, और ये देखो ये रहा बादल पहाड़ों पे आ गए गाइस, वो सीन तो देखो यार, वहाँ जो गया वो घूम गया, वहाँ जन्नत असली वहाँ पे, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, कितनी प्यारे एरिया लग रहा है यार, ऐसा बारिश के टाइम पे हमारे एरिया स्वर्ग है गाइस, कुछ भी कहो यार, ये मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है ऐसा। और वहाँ पे सपोज करो वो इतने फॉग ही फॉग में, मतलब जो भी बादल है उसके अंदर जाके खो जाओ। गाइस छोटे भाई को लेने जा रहा हूँ, मौसम देखो भाई साहब, शाम हो गई, जिम से सीधा घर आ गए, और ये देखो भाई साहब क्या यार मौसम गजब है, और कितना प्यारा सीन लग रहा है फोन में तो। गाइस देखो हमारे ऑफ रोडिंग के, देखो यहाँ मतलब ये जो थोड़ी सी रोड रहे ना, क्या पानी भर रहा है ये देखो, तो इस पानी में ले जाना पड़ेगा। अब तो जो सेडान गाड़ी की क्या हालत होती है इसमें हमारी, ओ भाई साहब ये देखो भाई, बहुत प्यारी लगी यार, यार देखो रोड भी एकदम मक्खन, और यार चलाने का अलग ही मजा अपने। गाइस छोटे भाई के स्कूल हो गया यार, एक मस्त चीज दिखाओ, इनका गार्डन देखना यार, एक सेकंड एक बार पार्क कर दो। सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करो, हर हर महादेव। तो गाइस ये देखो इनके बगल में स्विमिंग पूल बना हुआ है, पूरा गार्डन गाइस ये देखो, पूरे गार्डन में पानी भरा पड़ा है, पूरा गार्डन ऐसा लग रहा है तालाब बन गया इनके स्कूल का। ये भाई साहब वहाँ से वहाँ तक का, इसे पानी में खेलो मस्त वॉलीबॉल वगैरह, मज़ा है। ये देखो गाइस पूरा पानी ही पानी चल रहा है हर जगह, पर क्या यार रिस्की भी रहता है थोड़ा, फिर ऐसे पानी में सांप आ जाते हैं, शायद पानी थोड़ी देर के लिए क्यों ना ऊपर आ जाते हैं सांप। तो देखो तालाब चल रहा है अभी तो पूरा, यहाँ इतना नहीं भरा पर थोड़ा थोड़ा तो भर गया, बट यहाँ ज़्यादा भर गया। गाइस यहाँ मैच चल रहा है बच्चों का देखो, और ये सामने सरस्वती माता। गाइस फाइनली घर आ गए, और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सबसे पहले जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर फैला दो गाइस इस ब्लॉग को। बाकी गाइस अपने 500 प्लस तो गए सब्सक्राइबर, ठीक है गाइस बाकी देखते हैं वेट। और वो जो गाइस वो 500 सब्सक्राइबर वाली स्कीम है ना, वो तो स्टार्ट हो गई मेरे इसके अंदर, जिसमें जो 500 सब्सक्राइबर था 3000 घंटे का वॉच आवर था, और बाकी वो 1000 घंटे वाली भी चल रही है, बट पता नहीं दोनों में से कौन सी लीगल है, बट पहले 500 वाली हो जाएगी फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो 500 सब्सक्राइबर हो गए तो 3000 घंटे का वॉच आवर करना है बस।